योर एक्सेलेंसी माई फ्रेंड प्रेसिडेंट इमेन्युअल मैक्रो श्री पीयूष गोयल कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन श्री रतन टाटा चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट श्री एन चंद्रशेखरन चेयरमैन टाटा सन्स मिस्टर कैबेल विल्सन सीईओ एयर इंडिया मिस्टर गियोम फॉरी एयरबस सबसे पहले मैं एयर इंडिया और एयरबस को इस लैंडमार्क एग्रीमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति मैक्रो को मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। यह महत्वपूर्ण डील भारत और फ्रांस के गहराते संबंधों के साथ साथ भारत के सिविल एविएशन सेक्टर की सफलताओं और आकांक्षाओं को भी दर्शाती है आज हमारा सिविल एविएशन सेक्टर भारत के विकास का अभिन्न हिस्सा है सिविल एविएशन को मजबूत करना हमारी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी का एक महत्वपूर्ण पहलू है पिछले आठ वर्षों में भारत में हवाई अड्डों की संख्या 74 से उछलकर 147 हो गई है यानी लगभग दोगुनी बढ़त हमारी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के माध्यम से देश के सुदूर हिस्सों की एयर कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं जिससे लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है निकट भविष्य में भारत एविएशन सेक्टर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बनने जा रहा है कई आकलनों के अनुसार भारत को अगले पंद्रह वर्षों में 2000 से अधिक विमानों की आवश्यकता होगी आज की ऐतिहासिक घोषणा इस बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायक होगी भारत की मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के तहत एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में अनेक नए अवसर खुल रहे हैं ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट्स के लिए ऑटोमेटिक रूप से 100% परसेंट एफडीआई का प्रावधान रखा गया है उसी तरह ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल यानी एमआरओ में भी 100 परसेंट एफडीआई की अनुमति दी गई है भारत पूरे क्षेत्र के लिए एमआरओ का हब बन सकता है आज सभी ग्लोबल एविएशन कंपनीज भारत में मौजूद है मैं उन्हें इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं फ्रेंड्स एयर इंडिया और एयरबस का समझौता भारत फ्रांस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कुछ ही महीनों पहले अक्टूबर 2022 में मैंने वडोदरा में डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के शिलान्यास में हिस्सा लिया था 2.5 बिलियन यूरो के निवेश से बन रहे इस प्रोजेक्ट में भी टाटा और एयरबस की साझेदारी है मुझे यह जानकर भी खुशी है कि फ्रेंच कंपनी साफरान विमानों के इंजन की सर्विस के लिए भारत में सबसे बड़ी एमआरओ फैसिलिटी स्थापित कर रही है आज इंटरनेशनल ऑर्डर और मल्टीलेटर सिस्टम की स्थिरता और संतुलन सुनिश्चित करने में भारत फ्रांस भागीदारी प्रत्यक्ष भूमिका निभा रही है चाहे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता का विषय हो या वैश्विक फूड सिक्योरिटी तथा हेल्थ सिक्योरिटी भारत और फ्रांस साथ मिलकर सकारात्मक योगदान दे रहे हैं राष्ट्रपति मैक्रो मुझे विश्वास है कि इस वर्ष हमारे द्विपक्षीय संबंध और भी नई ऊंचाइयों को छुएंगे। भारत की जी ट्वेंटी अध्यक्षता के अंतर्गत हमें साथ मिलकर काम करने के लिए और अधिक अवसर प्राप्त होंगे एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएँ